25 जून को भव्यता के साथ निकलेगी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा। हापुड़ में भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा सेवा समिति की तत्वाधान में आगामी 25 जून रविवार को 23वीं भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। वहीं रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ 11 जून से शुरू हो रहा है। 25 जून तक प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के कार्यक्रम होते रहेंगे। महोत्सव के बारे में जानकारी देने के लिए शनिवार को सराफा बाजार में समिति सेवादार के प्रतिष्ठान पर हुई पत्रकार वार्ता में राकेश वर्मा ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। मेरा नाम राकेश कुमार वर्मा है, पर हमारी जो जगन्नाथ सेवा समिति है इसमें किसी का विशेष नाम कोई नहीं है और 2001 से इस जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारम्भ हुआ। इसको जगन्नाथ जी की प्रेरणा हमारे हरिओम जी हैं, इनको मिली, और हमारे अखिलेश पंडित जी जो हैं शहर के, उनके सानिध्य में एक कमेटी बना करके 2001 में इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद में ये हर साल बहुत अच्छे रूप से बढ़ता जा रहा है और लोगों का सहयोग इसमें सभी का मिलता जा रहा है। इसमें ये मैं पिछले बता देता हूँ, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। और समिति में सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, समिति में कोई भी आज तक चुनाव नहीं हुआ है, कभी कोई भी पद नहीं है, जितने भी हैं सब जगन्नाथ जी के सेवादार हैं। इसमें कभी आज तक किसी तरह का कोई चुनाव या कोई वो नहीं हुआ है। पिछले 23 वर्षों में जगन्नाथ सेवा समिति की तरफ से रेलवे रोड पर देवी मंदिर के सामने खिचड़ी वितरण होता है, और हर महीने जरोठी रोड पर जो गौशाला है उसमें गौ सेवा का प्रोग्राम, मतलब हर महीने कंटिन्यू उसमें चलता रहता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से शहरवासियों को कि इसमें जगन्नाथ सेवा समिति के जो खर्चे के नाम पे कभी किसी से कोई रसीद नहीं काटी जाती है, कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया जाता है। सभी लोग इसमें स्वेच्छा से चंदा देते हैं, जो गुप्त दान के रूप में आता है, देने वाले जगन्नाथ जी, खर्च करने वाले जगन्नाथ जी, यही धारणा हमारी सेवा समिति की रहती है, और जो चंदा आता है वो उसमें खर्च होता रहता है। 4 जून को श्री जगन्नाथ जी को पाती उत्सव दी गई है पुराने बाजार में। जगन्नाथ जी का जो 100 साल पुराना मंदिर है उसमें जगन्नाथ जी को निमंत्रण पत्र दिया गया है। कल 11 तारीख को लक्ष्मीनारायण मंदिर में नौका विहार उत्सव का आयोजन है, 6:30 बजे से 9:30-10 बजे के करीब तक वहाँ पे रहेगा नौका विहार का। उसमें बहुत बड़े संत जो वृंदावन से आ रहे हैं, गौरदास जी, श्री गौरदास जी महाराज, उनका संकीर्तन रहेगा, और जगन्नाथ सेवा समिति के जो सभी लोग सेवादार हैं उन लोगों का भी संकीर्तन में सहयोग उसमें रहता है। प्रशासन का, बिजली विभाग का, नगर पालिका परिषद का, और सभी नगर के सम्मानित भक्तगणों का हमें पूरा सहयोग मिलता है। 23 साल इस यात्रा को शुरू हुए हो गए हैं, 23वीं यात्रा इस बार निकलने जा रही है। आप सब पत्रकारों का भी सहयोग, पत्रकारों का सहयोग भी इसमें पूरा बराबर बने रहता है। इस समिति में करीब 150 लोग हैं, और समिति के जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां महीने डेढ़ महीने पहले से शुरू हो जाती हैं, जिसमें हर कार्य को करने के लिए अलग अलग समितियां बना करके सभी सेवादारों को सेवा सौंपी जाती है, जो वो सब अपने अपने तरीके से उसको रूप को पूरा करने के बाद में यात्रा को संपन्न कराने में सहयोग करते हैं। शहर के में जगह जगह हमारे जो पुराने मंदिर से शुरू होती है, जब ये लक्ष्मीनारायण मंदिर तक जाने के लिए, तो शहर के लोगों का इतना लगाव रहता है यात्रा से कि वो जो बाहर के रसिक जन आए हुए होते हैं या शहर के लोग आए हुए होते हैं भक्तगण, उनके लिए ठंडे पानी की शरबत, आइसक्रीम और खाने के तरह तरह के विभिन्न प्रकार के स्टॉल होगा यहाँ से वहाँ तक, वो लोग लक्ष्मीनारायण मंदिर तक स्टॉल लगाते हैं, जिससे वो भक्तगणों को प्रसाद के रूप में मिलता रहता है। जगन्नाथ जी जब रथ पर विराजमान होकर के जब मंदिर की तरफ चलते लेके चलते हैं उनको, तो उसमें रास्ते में समय समय पर जल सेवा, शरबत सेवा और ड्राई फ्रूट सेवा, ठाकुर जी को समय समय पर भोग लगता रहता है। और उसके बाद में दोपहर को जो भोजन का समय होता है उस टाइम ठाकुर जी को जो भोजन प्रसादी महाभोग जो बनता है यहाँ पे लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास में, वहाँ महाभोग से जो ठाकुर जी को भोग आता है, फिर भोग उनको लगाया जाता है, उसके बाद में फिर वो भोग वहाँ जाकर के मिल करके महाभोग फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। और बाकी आप लोगों के माध्यम से मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि शहर के जो भी लोग आएँ, जो भी महिलाएँ बच्चे आएँ, तो किसी प्रकार की चमड़े की कोई वस्तु पहन करके ना आएँ। रथ के रस्से को हाथ लगाने से पहले ध्यान रखें कि कोई भी चमड़े की वस्तु शरीर पर ना हो, कोई भी कीमती वस्तु ना हो उसका ध्यान रखें वो खुद ही, और कोई किसी प्रकार की चप्पल वगैरह पहन करके रस्से को ना खींचें। बाकी कुछ बातें हमारे